अभी हमारे यहाँ वो जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं, जहाँ 10 रुपए लेते थे, अब 50 रुपए ले रहे हैं। ले रहे हैं? कितना परसेंट बढ़ गया? बैटरी की जो वो भरते हैं, उनको चार्ज करते हैं, शायद वो महंगी हो गई होगी चार्जिंग, भूल गए क्या कि ठाकुर जी का कैमरा उन पे लगा हुआ। अरे 10 का 20 कर दो, क्या 20 कर दो डबल। अरे न माने तो नियत ना भर रही तो 30 कर दो। जो भी अच्छा, अब बेचारा गरीब आदमी होली में उत्सव में आनंद आने लेने आया, 5 आदमी परिवार के संग लाया हो, तो 50 से लगाओ कितना, 250। वो 250 रुपये लाए तो मैं रोटी खाने पैदल ही यात्रा करेगा, वो तुम्हारी कहाँ से आ रही। और अब हमको लगता है ब्रज के लोग कम चलाते हैं बार रिक्शा, बाहर से लोग आकर ज़्यादा रिक्शा चला रहे हैं यहाँ पे। और स्पेशली एक समुदाय वो भी खूब रिक्शा चला रहा है यहाँ पे। तो यहां आने वाले यात्रियों से एक निवेदन करेंगे, जितना कम यूज करोगे उतना वृंदावन की यात्रा सफल होगी आपकी। उसका दुष्परिणाम भी है, हम बताएंगे, अभी हम बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन समझ लो, वो चाहे रिक्शा चलाएं, चाहे ट्रक चलाएं, चाहे बस चलाएं, चाहे फ्लाइट चलाएं, उनकी नजर एक ही जगह टिकी रहती है बस। तो बी केयरफुल।